अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुर्तजा खान और आप देख रहे हैं मुर्तजा स्टोरी। दोस्तों, अभी हाल ही दिन में पश्चिम बंगाल में 3 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। अब उनका कल नतीजे आए कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं। पर इस बार बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी की कांटे की टक्कर है। पर दोस्तों, इन चुनाव में ये जो उपचुनाव हुए 3 सीटों पर, इस पर कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिली मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, इस वीडियो को आप जरूर लाइक कर दिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दिए, ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक को भी जरूर लाइक कर दिएगा दोस्तों, मेरे पेज को। दोस्तों, जो पश्चिम बंगाल में 3 सीटों पर जो उपचुनाव हुए उसके नतीजे बताने से पहले मैं आपको बता दूं, लोकसभा इलेक्शन 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में 42 सीटों में से 18 सीटें जीती थी। उसके बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी की कांटे की टक्कर होगी आने वाले विधानसभा चुनाव में। पर दोस्तों, ये जो 3 सीटों पर उपचुनाव हुए उसमें से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली है। तीनों की 3 सीटें दोस्तों टीएमसी ने जीती है, और एक सीट तो दोस्तों ऐसी है कि 20 साल तक वहां पर टीएमसी कभी नहीं जीती थी। इस बार टीएमसी ने वहां पर झंडा गाड़ा है, अपनी जीत दर्ज की। तीनों की 3 सीट टीएमसी के खाते में गई, यानी ममता बनर्जी के खाते में गई, और भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली है। तो चलिए दोस्तों, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए आप कैसे देखते हैं इस तीनों पे, 3 सीटों पर टीएमसी जीती है, भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली, इस पर आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दिए, ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अस्सलामुअलैकुम।